जिस प्रकार से बीजेपी संगठन से टिकट न मिलने से नाराज पार्षद प्रत्याशी विनोद नेगी अपने वार्ड की जनता के कहने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके थे और इसमें वार्ड की जनता ने नेगी का भरपूर सहयोग कर मतदान के अंत तक जुटी रही। नेगी की जीत को देखकर विरोधी हमला करने से भी नहीं चुके और नेगी के विरुद्ध प्रशासन में शिकायत भी कर दी, जिसके बाद विनोद नेगी के पीछे पुलिस की टीम भी फिरती नजर आई। परंतु नेगी के प्रबल इच्छा शक्ति व कठोर इरादे के आगे विपक्ष बौने नजर आए। यदि नेगी इस जंग में बाजी मार जाते हैं तो उनका ये पैगाम अपने विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने जैसा होगा। साल लोगों में जो है कि मतदान के प्रति बहुत उत्साह है लोगों में, और मतदान भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी परसेंटेज पे वार्ड नंबर 57 से जाएगा। और अब बाकी तो देखो क्या होता है, शाम तक जो है कि अब लोग आ ही रहे हैं चुनाव मैदान में, दूसरी बार उतर रहे हैं इंडिपेंडेंट पार्टी से चुनाव मैदान में है, पहले भी आप अपने भाग्य आजमा रहे, इस बार दूसरी बार आजमाने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद है, क्या जता रहे हैं? देखो पिछली बार भी जनता का बहुत प्यार मिला था और अब की बार जनता जो है हमको पहले नंबर पे बिठा के भेजेगी। इस बार जो लोगों की प्रतिक्रिया रहा है, सबसे टॉप पे आपका लिस्ट में नाम आ रहा है, तो क्या लगता है इस बार जो रुझान मिल रहे हैं लोगों, जनता की जो स्नेह मिलता है आपको, कहीं लगता है कि आपके पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं? ये मेरे पिछले 5 साल के जो मैंने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में जो विकास कार्य करवाए हैं, एक उसका फल मिल रहेगा और एक जो है कि जनता का प्यार है। मैं लोगों से लगातार 5 साल मिलता जुलता रहा हूँ और हर क्षेत्र में रात हो दिन हो हर क्षेत्र में सक्रिय रहा। देहरादून से श्रमिक मंत्री के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।